डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 4। लास्ट लेक्चर 3 के अंदर अपन ने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखा था। तो हम दो फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरीज किस तरह से हुई एटम के अंदर, कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, और उसके बाद एनोड रेज के रूप में पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम जो कि प्रोटॉन से बना है उसकी डिस्कवरी। अब अपन देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, पहला पॉइंट अपन ने इस चैप्टर के अंदर देखा था डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि हम चैप्टर 1 में देख चुके थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, फिर भी रिवाइज कर लिया था। फिर सेकंड पॉइंट देखा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड पॉइंट देखा था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन, एंड फोर्थ पॉइंट डाल लीजिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1920 के अंदर वैसे तो साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने थियोरेटिकली डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। उन्होंने माना कि एटम के अंदर जरूर पॉजिटिव पार्ट के साथ कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी साथ में प्रेजेंट है, और उस न्यूट्रल पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के प्रॉपर्टी की वजह से न्यूट्रॉन नाम दे दिया। लेकिन 1920 आते आते एटॉमिक साइंस में थियोरेटिकल डिस्कवरी का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रह जाता था, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती उसमें थियोरेटिकली आप कुछ भी मान सकते हो। तो साइंटिस्ट ने लगभग 1900 के बाद 20th सेंचुरी में लगभग ये डिसाइड कर लिया था कि एटॉमिक साइंस जैसी साइंस जिसमें माइक्रो पार्टिकल्स पर स्टडी करते हैं उसमें हम थियोरेटिकल डिस्कवरी को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जब तक कि वो कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि अलग अलग तरह के फंडामेंटल पार्टिकल माने जाने लगे थे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ। तो हमने ये डिसाइड किया, हम ह्यूमंस ने ये डिसाइड किया, एटॉमिक साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि प्रैक्टिकल डिस्कवरी को ही असली डिस्कवरी माना जाएगा। और न्यूट्रॉन की जो प्रैक्टिकल, जो थियोरेटिकली रदरफोर्ड न्यूट्रॉन मानने लग गए थे, और दो तरह की थॉट्स 1920 के बाद एटॉमिक साइंस में चल पड़ी थी। एक वो थॉट जो रदरफोर्ड मानते थे कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, और अलग अलग एटम के अंदर प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है, इस वजह से जो E by M है ऑफ एनोड रेज, E by M ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम में डिफरेंस आ रहा है। और एक थॉमसन की थॉट थी, थॉमसन ये मानते थे कि अलग अलग एटम्स के प्रोटॉन्स जो है ना वो खुद ही बाई मास अलग अलग है, किसी एटम का प्रोटॉन किसी मास का है, चार्ज सभी प्रोटॉन्स का सेम है, आपस में भी सेम है, और इलेक्ट्रॉन के सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है ईच प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अलग अलग प्रोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स अलग अलग मास के होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि नेचर इतनी रैंडम नहीं हो सकती, जब उसने सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे बनाए और सारे प्रोटॉन चार्ज के अकॉर्डिंग एक जैसे बनाए तो जरूर सारे प्रोटॉन्स मास के अकॉर्डिंग भी एक जैसे होने चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा कि ये जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम है इनके, ये जो भागते हुए जब एनोड रेज के रूप में मिलते हैं तो इनकी ई बाई एम अलग अलग क्यों मिल रही है। तो इस ई बाई एम को अलग अलग मिलने को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में ये थियोरेटिकली अज्यूम किया कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके साथ साथ न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं, और वो न्यूट्रॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होना जरूरी नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होंगे, बट न्यूट्रॉन उससे थोड़े कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये ई बाई एम में डिफरेंस आ रहा है। तो अब लेकिन प्रैक्टिकली कोई डिस्कवरी हो नहीं रखी थी, तो दो थॉट्स पैरेलल चलती रही। लेकिन 1932 में साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की थिन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवा करके उन इन न्यूट्रॉन्स को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर लिया, प्रैक्टिकली फील कर लिया, और उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड थ्योरी बिल्कुल सही है, एटम्स हैव न्यूट्रॉन्स इन देयर पॉजिटिव पार्ट विद प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के साथ जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी इंटरमिक्स्ड होते हैं, साथ में मिक्स्ड होते हैं, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है। सारे न्यूट्रॉन भी अलग अलग एटम्स के हों, चाहे एक ही एटम्स के हों अलग अलग न्यूट्रॉन्स, वो सारे फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। तो इस तरह 1932 में ये ओरिजिनल डिस्कवरी मानी जाती है, न्यूट्रॉन वॉज प्रैक्टिकली डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक। कैसे? बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन बेरिलियम फॉयल। बेरिलियम मेटल जो है उसकी बहुत ही थिन फॉइल ले ली, बहुत पतली पन्नी ले ली, और उस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की। तो बेरिलियम होता है 4-9, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। आज हम जानते हैं एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, इसी टॉपिक के बाद जस्ट पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्ली ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। बेरिलियम का मास नंबर होता है 9। अब इस पर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम के न्यूक्लिक इक्विवेलेंट।
जिनके अंदर टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर टू होता है और मास नंबर जो होता है फोर होता है। जब इनका ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही थी, जब आज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेम्स चैडविक जब बेरिलियम की थिन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवा रहे थे तो कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन की हेल्प से न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे, फ्री न्यूट्रॉन्स मिल रहे थे और वो फ्री न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रेज के रूप में उनको मिले थे। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल थी जब बेरिलियम की थिन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं। तब बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का ये सिंबल है He प्लस 2 4, बेरिलियम का जो है मास नंबर 9 और एटॉमिक नंबर 4। तो इससे मिलकर के जो जो बेरिलियम का जो न्यूक्ली है वो उस अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके, उस हाई काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके खुद तो कन्वर्ट हो रहा था कार्बन के न्यूक्ली में, 9-4-13 में से 12 C12 का न्यूक्ली बन रहा था और साथ में फ्री न्यूट्रॉन्स बन रहे थे। हर अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम के साथ जब इफेक्टिव कोलिजन होता था तो कार्बन के न्यूक्ली में कन्वर्ट हो जाता, वो बेरिलियम की फॉइल कार्बन की फॉइल में कन्वर्ट होती जा रही थी और साथ साथ में फ्री न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन रेज के रूप में मिल रहे थे। तो इस तरह उनको फ्री न्यूट्रॉन्स मिले न्यूट्रॉन रेज के रूप में, उन न्यूट्रॉन रेज को उन्होंने फील किया, ऑब्जर्व किया, जैसे थॉमसन गोल्डस्टाइन पेरी जैसे साइंटिस्ट ने कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी कर करके बातें पता लगाई, उसी तरह से न्यूट्रॉन रेज की डिस्कवरी करके जेम्स चैडविक ने पता लगाया और इन न्यूट्रॉन की प्रैक्टिकल डिस्कवरी की। तो कोई आपसे पूछे थ्योरेटिकल डिस्कवरी किसने की, तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन की, तो आप बोलोगे रदरफोर्ड ने। प्रैक्टिकल डिस्कवरी किसने की, तो आप बोलोगे जेम्स चैडविक ने। कुछ बोले नहीं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, बोले कि न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तब आप क्या बोलोगे जेम्स चैडविक बोलोगे, प्रैक्टिकल डिस्कवरी को मेन डिस्कवरी मानोगे। तो इस तरह से न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। न्यूट्रॉन का चार्ज मास और क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो होता है, चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल होता है, इसलिए नाम पड़ा न्यूट्रॉन। मास जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे प्रोटॉन का मास था 1.672, इसका होता 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, इसको आप 1.675 × 10⁻²⁴ ग्राम भी कह सकते हो। इसको अगर आप एवोगाड्रो नंबर, इस मास को आप एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो एमयू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.0086 एमयू, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और यू भी बोलते हैं आजकल यूनिफाइड यूनिट एमयू को, और इसी को बोलते हैं यूनिट मास, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट वन मास ही है एएमयू में, या यू में ऑलमोस्ट वन ही है, थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा है। प्रोटॉन का आता है 1.0072, इसका रहा 1.0086। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का मास हो गया। न्यूट्रॉन का सिंबल सामने दिखाई दे रहा है आपको 01, यहाँ पर चार्ज रख देते हैं, चार्ज जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमने क्या दिया था, E-10 है ना, चार्ज -1। प्रोटॉन का सिंबल क्या दिया, +1 1, और एच का भी एच के रूप में भी देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो है वो बीटा पार्टिकल्स के रूप में भी बता सकते हैं, β-10 ना, और न्यूट्रॉन का हो जाएगा 0 and 1। तो ये इनका हो गया चार्ज -1, इसका चार्ज +1, इसका चार्ज 0, इसका मास 0 मानेंगे क्योंकि बहुत ही कम होता है एमयू में, 0.0005483 एमयू, ऑलमोस्ट 1 एमयू से बहुत बहुत कम होता है। प्रोटॉन का 1 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट एमयू में, और इसका 1 मान लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो न्यूट्रॉन्स के सिंबल्स और देख लिए। अब पहले तो शुरू में हमें लगा एटम की डिस्कवरी के दौरान, एटम पर रिसर्च करते हुए, एटम पर स्टडी करने के दौरान हमें लगा, थॉमसन जैसे साइंटिस्ट को लगा कि एटम दो ही तरह के फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बाद में रदरफोर्ड को शक हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी है, और बाद में प्रैक्टिकल डिस्कवरी भी हो गई न्यूट्रॉन की। तो हमें लगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल ही एटम बनाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे और जैसे जैसे एटॉमिक साइंस डेवलप होता गया, हमें पता चला कि केवल तीन फंडामेंटल पार्टिकल ही नहीं है, ये तीन तो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है जो ऑलमोस्ट सभी एटम्स में मिलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सभी एटम्स में मिलते हैं, न्यूट्रॉन केवल एक हाइड्रोजन के आइसोटॉप 1H1 को छोड़ के बाकी सब में मिलता है, केवल एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप है 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। केवल इस प्रोटियम के अंदर 1H1 या प्रोटियम के अंदर, इसको केवल H बोल देते हैं प्रोटियम को, प्रोटियम या 1H1 के अंदर न्यूट्रॉन नहीं मिलता, बाकी इसमें भी न्यूट्रॉन है, इसमें भी न्यूट्रॉन है, और बाकी सारे एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन होता है ऑलवेज। तो इस तरह से न्यूट्रॉन भी एक स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है, और
लेकिन इसके अलावा और भी कई फंडामेंटल पार्टिकल्स, अब एटम्स को बॉम्बार्डमेंट करवा करके एटम्स को मेटल फॉयल के रूप में एटम्स की लेयर ले लेते हैं साइंटिस्ट, कभी बेरिलियम की ले लेते, कभी गोल्ड की ले लेते, और उस पर तरह तरह के अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनकी बॉम्बार्डमेंट करवा करवा करके नए नए पार्टिकल्स खोजे जाने लगे। नए साइक्लोट्रॉन नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, डिवाइस आता है, बड़ी पावरफुल मशीन होती है, उसके अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवा करवा करके नए नए फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर किए जाते हैं, है ना। साइक्लोट्रॉन उस मशीन का नाम है जिसकी हेल्प से फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स जिन पार्टिकल से बना होता है उनको खोजा जाता है, उसको ढूंढा जाता है, इन माइक्रो पार्टिकल्स की एटम्स पर बॉम्बार्डमेंट करवा के, अपन अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, प्रोटॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो इस तरह से ये नए नए फंडामेंटल पार्टिकल, वो बाकी सारे फंडामेंटल पार्टिकल आते हैं अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि वो सभी एटम्स में हमेशा नहीं मिलते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हर एक में मिलते हैं। तो और भी कई फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन कौन से फेमस आज हम टोटल 127 टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर डिस्कवर कर चुके हैं। न्यूक्ली आज हम जानते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्ली होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, न्यूक्ली के अंदर तरह तरह के फंडामेंटल पार्टिकल मिले हैं, केवल प्रोटोन न्यूट्रॉन ही नहीं मिले हैं, और भी तरह तरह के एंटी प्रोटोन भी मिला है। तो ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन के अलावा 124 और टोटल 127 टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल हम डिस्कवर कर चुके हैं। उनमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चार पांच और इंपॉर्टेंट है जिन पर कभी न कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, जेई में, नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनकी आप लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से पार्टिकल है, उनका मास क्या है, उनका चार्ज क्या है, उनके बारे में कोई फेमस बातचीत आपको याद करनी तो, और उनको किसने डिस्कवर किया। तो अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल यहां पर सीरियल नंबर लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे फंडामेंटल पार्टिकल, यहां लिख लेंगे उसका खुद का सिंबल, किसने डिस्कवर किया उसको, डिस्कवर्ड बाय, खोजा किसने, उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है, और उसके बारे में कुछ स्पेशल बातचीत हो तो वो स्पेशल बातचीत भी हम याद कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है पॉजिट्रॉन, सीरियल नंबर 1 पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की जो सिंबल है वो E+10 और β+10 हो जाएगा। ये डिस्कवर किया था पॉजिट्रॉन एंडरसन ने, साइंटिस्ट एंडरसन ने। चार्ज इसका होता है +1 और +E, और मास होता है =mass of electron, यानी मास में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज में भी वैल्यू में इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन चार्ज पे जितना, इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज, इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे पार्टिकल जिनके मास आपस में बराबर हो, चार्ज की वैल्यू बराबर हो, लेकिन चार्ज एक दूसरे के अपोजिट हो, वो कहलाते हैं एक दूसरे के एंटी पार्टिकल। तो ये जो पॉजिट्रॉन है ये एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। जो मेन पार्ट है वो जिसके बारे में आप लिख लीजिएगा, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन माना जाता है, कंसिडर्ड एज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों माना जाता है, क्योंकि मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज की वैल्यू बराबर, केवल इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज, इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन के अलावा ये पॉजिट्रॉन जो है वो न्यूक्ली में मिलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ कुछ एक न्यूक्ली मिलते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, कई न्यूक्ली में मिले हैं। पॉजिट्रॉन के बाद में एंटी प्रोटॉन का सिंबल होगा H-11। प्रोटॉन का जस्ट अपोजिट प्रोटॉन पे यहाँ प्लस वन होता है, एंटी प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट सेगरे के द्वारा डिस्कवर किया गया था। चार्ज -1 और -E होता है, और मास =mass of proton होता है। जितना प्रोटोन का मास है उतना इसका मास है, जितना प्रोटोन का चार्ज है उतना इसका चार्ज है, लेकिन प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास प्रोटोन के बराबर। इसका चार्ज प्रोटोन के बराबर, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसको हम मानते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटोन, पार्टिकल ऑफ प्रोटोन। तभी इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा, एंटी प्रोटोन, माने एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटोन। तीसरा, न्यूट्रिनो, बहुत ही फेमस पार्टिकल्स है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का सिंबल जो है वो दिया गया न्यू 0, 0, चार्ज भी 0, मास भी ऑलमोस्ट 0।
न्यूट्रिनो डिस्कवर्ड किए गए थे पॉलिंग के द्वारा, साइंटिस्ट पॉलिंग, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए केमिस्ट्री के अंदर। आगे जाकर के आप देखोगे पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट दिया, पॉलिंग ने जो है वो बहुत सारी डिस्कवरीज पॉलिंग ने की, वे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग की दी हुई है। तो इस तरह से इन पॉलिंग ने डिस्कवर किया था न्यूट्रिनो। इनका जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, इनका नाम से भी क्लियर है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन से अलग है, न्यूट्रिनो जीरो चार्ज, मास इवन लेस देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी कम मास होता है इनका, इलेक्ट्रॉन से भी लेस मास है। अब इलेक्ट्रॉन का मास ही नॉर्मल ही हम एटम का मास काउंट करते समय काउंट नहीं करते हैं, जीरो मानते हैं, तो इनका तो बिल्कुल ही जीरो मानेंगे। तो इसलिए इनको कंसिडर्ड एज चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स, चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स। आप बोलोगे सर चार्ज भी नहीं है मास भी नहीं है तो फिर काहे के पार्टिकल है, कुछ है ही नहीं। चार्जलेस तो है, मासलेस माना जाता है, मास तो है ही, लेस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के मास से कम है लेकिन है मास, ऐसा नहीं कि मास बिल्कुल भी जीरो है, मास है। कितना मास है वो भी याद करने की जरूरत नहीं है पूरा परफेक्ट, क्योंकि रटने की बातें उतनी याद रखो जितनी काम की है। मास इलेक्ट्रॉन से भी लेस है इसलिए मासलेस माना जाता है, चार्जलेस मासलेस। फेमस क्वेश्चन है विच फंडामेंटल पार्टिकल आर कंसिडर्ड एज चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो, तो आप आंसर दोगे न्यूट्रिनो। और देखिए और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स दूसरे हैं जो काम के हैं हमारे, एंटी न्यूट्रिनो, फोर्थ आता है एंटी न्यूट्रिनो। जैसे ये न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल हो जाएगा, एंटी प्रोटोन प्रोटोन का एंटी पार्टिकल है, सिंबल न्यू बार जीरो जीरो, न्यू के ऊपर एक बार लगा दीजिए तो हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो का। ये डिस्कवर किए गए थे फर्मी के द्वारा, है ना, फर्मी जो है जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बनाए थे, बड़े बड़े फेमस साइंटिस्ट है ना, इनके इनके ऑनर में एक यूनिट भी डिस्टेंस की दे रखी है, वन फर्मी इज इक्वल टू 10^-15 meters, तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। इनका भी चार्ज जीरो और मास इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के मास के बराबर। तो आप बोलोगे सर ये न्यूट्रिनो में इसमें फर्क क्या हुआ, दोनों का चार्ज जीरो है और दोनों का मास आपस में इक्वल है। एक्चुअली हम ये मानते थे कि जब भी शुरू में पॉलिंग ने माना कि न्यूट्रिनोज बनते हैं, ये जब स्टार्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक होल के रूप में, तो उस समय इनका सारा का सारा मास, इनकी जब ग्रेविटी सुपर ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाती है तो इनका सारा का सारी मास और सारा का सारा एनर्जी जो है ना वो न्यूट्रिनो और गामा रेज में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूट्रिनो और गामा रेज की बौछार करते हुए ये खत्म हो जाते हैं स्टार्स, जब खत्म होते हैं स्टार्स की जब एज खत्म हो जाती है, सन भी हमारा स्टार है, जबकि इस जब इसकी एज खत्म हो जाएगी, जब इसका उम्र खत्म हो जाएगा और इसके सारी न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, उस समय ये या तो सिकुड़ करके ब्लैक होल के रूप में डिस्ट्रॉय होगा या व्हाइट ड्वार्फ के रूप में डिस्ट्रॉय होगा। तो इसकी सारे मास और सारी एनर्जी जो है वो गामा रेज और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉलिंग ने ऐसा माना। बाद में फर्मी ने बताया कि न्यूट्रिनो कभी अकेला नहीं बनता, न्यूट्रिनो हमेशा पेयर पार्टिकल के रूप में बनता है, न्यूट्रिनो के साथ साथ बिल्कुल न्यूट्रिनो जैसा ही एक पार्टिकल और बनेगा सदैव, ऑलवेज साथ में, ये भी सेम चार्ज का, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, मास इन दोनों का बराबर। तो फिर दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों अपनी अपनी एक्सिस पर एक दूसरे से अपोजिट घूम रहे होंगे, इसकी स्पिन अपनी एक्सिस पर जैसी होगी इसकी स्पिन उसके जस्ट अपोजिट होगी, इसमें से एक को बोल देंगे न्यूट्रिनो तो एक को बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो। तो फर्मी ने ये डिस्कवर किया न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर साइंस के अंदर, कि जब जब ये स्टार्स गायब हो रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, तो जब इनका सारा मास और इनकी सारी एनर्जी न्यूट्रिनोज और गामा रेज में कन्वर्ट होती हो रही होती है, तो उस समय न्यूट्रिनो के साथ साथ एक कपल पार्टिकल और बनता है एंटी न्यूट्रिनो, जो कि न्यूट्रिनो जैसा ही होता है, केवल उसकी जो स्पिन होती है वो न्यूट्रिनो से अपोजिट होती है, अपोजिट स्पिन की वजह से इनको बोल दिया गया एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है, और ये न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल कहलाए। यहां पर एंटी पार्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि चार्ज अपोजिट है, चार्ज तो है ही नहीं, यहां पर अपोजिट स्पिन की वजह से अपोजिट पार्टिकल एंटी पार्टिकल कहलाया। तो इसके बारे में ये ध्यान रखोगे, फर्मी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिनो हमेशा कपल पेयर पार्टिकल के रूप में बनते हैं, इनका जो कपल पार्टिकल होता है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है, हैव अपोजिट स्पिन विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिनो ऑन देयर ऑन एक्सिस, ठीक है ना।
दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, हैव अ पॉजिटिव स्पिन विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिनो ऑन देयर ओन एक्सिस। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑलवेज फॉर्म्ड विद न्यूट्रिनो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमेशा, ये हिंदी मीडियम वाले के साथ साथ चलना कि इनका अपनी अक्ष पर चक्रण न्यूट्रिनो के तुलना में विपरीत होता है। अपनी अक्ष पर चक्रण ये सदैव न्यूट्रिनो के साथ बनते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। ऑलवेज फॉर्म्ड विद न्यूट्रिनो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, कंसिडर्ड एज एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। इन्हें न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल हिंदी में बोलेंगे प्रतिकण, एंटी माने प्रति, पार्टिकल माने कण, एंटी पार्टिकल या प्रतिकण माना जाता है। इस तरह से फर्मी ने इनको डिस्कवर किया और न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल के रूप में, न्यूट्रिनो के कपल पार्टिकल के रूप में हमेशा ये बनते हैं। कहीं पर भी कोई न्यूक्लियर घटना हो रही हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही हो नेचर में, वहां ये बनेंगे। फिफ्थ जो आपको ध्यान रखना है बहुत ही फेमस, जिन पर काफी क्वेश्चन आया हुआ है, वो है मेसोंस। मेसोंस जो ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल है, इन ये मेसोंस कई तरह के होते हैं। पाई मेसोंस होते हैं, है ना, जो है वो केओंस होते हैं, के मेसोंस, पाई मेसोंस या पायोंस, पाई मेसोंस या पायोंस, पाई मेसोंस या इन्हीं को बोलते हैं पायोंस, के मेसोंस या इन्हीं को बोलते हैं केओंस, है ना, म्यू मेसोंस या इन्हीं को बोलते हैं म्यूंस। तो कई तरह के मेसोंस होते हैं, एक तरह का मेसोन नहीं होता। ये सबसे पहले जापानी साइंटिस्ट युकावा के द्वारा डिस्कवर किए गए थे, डिस्कवर्ड बाय जापानी साइंटिस्ट युकावा। इनका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। सभी तरह के मेसोंस मिले हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल, के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के न्यूट्रल, ना म्यू पॉजिटिव, म्यू नेगेटिव, म्यू न्यूट्रल, सभी तरह के अलग अलग तरह के मेसोंस। मेसोन को एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये कई सारे फंडामेंटल पार्टिकल ग्रुप है, इसलिए सभी तरह के चार्ज वाले मेसोंस मिले हैं। पहले मेसोंस जो डिस्कवर किए थे जापानी साइंटिस्ट युकावा ने डिस्कवर किए थे, इनका जो मास होता है ना, मास ऑफ मेसोंस जो होता है वो हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो होता है ज्यादा, लेकिन मास ऑफ प्रोटोन से होता है कम। मेसोंस जो है वो प्रोटोन से कम मास वाले, लेकिन इलेक्ट्रॉन से हमेशा ज्यादा मास वाले होते हैं। इनके मासेस भी अलग अलग होते हैं, केओंस के मास पायोंस के मास से अलग होगा, म्यूंस के मास उससे अलग होगा। तो इनका मास हमेशा, चाहे कोई सा मेसोन हो, पायोंस हो चाहे केओंस हो, इन सभी का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेकिन प्रोटोन से कम होता है। इसलिए इनका नाम पड़ा था मेसोंस। मेसोंस का मतलब भी होता है इंटरमीडिएट्स, मीडियम टाइप के पार्टिकल्स, है ना, इंटरमीडिएट पार्टिकल्स, मध्यम। किस चीज के लिए, किस हिसाब से ये मध्यम, किसके मध्यम थे, इनका मास जो था ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरमीडिएट था, इसलिए इनको जब ये युकावा को ऐसा मिला तो इन्होंने इनको नाम दे दिया मेसोंस। ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनका मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इंटरमीडिएट है। ये जो मेसोंस हैं, ये इनके बारे में दो तीन फैक्ट्स याद रखना। एक तो ये जो मेसोंस है ना, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फोर्स। ये जो नाभिक के अंदर नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ न्यूक्ली, नाभिक के अंदर क्या होता है कि बहुत टाइटली आगे जाकर आप न्यूक्ली को पढ़ोगे तो वहां प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में अट्रैक्टेड है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्टेड है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्टेड है। एक न्यूक्ली के सभी फंडामेंटल पार्टिकल आपस में तेजी से अट्रैक्टेड रहते हैं। साइंटिस्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे अट्रैक्टेड है, प्रोटॉन प्रोटॉन में तो बहुत स्ट्रांग रिपल्सन होना चाहिए, बहुत प्रतिकर्षण होना चाहिए ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कोई स्पेशल ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही वीक होगा, क्योंकि इनका मास बहुत कम है, गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत ही दुर्बल कोटि का होगा। तो फिर क्या है, ये कैसे इतने स्ट्रांगली कैसे अट्रैक्टेड है? तो युकावा ने अज्यूम किया कि कोई एक नया नेचुरल फोर्स है, प्रकृति के अंदर कोई नया प्राकृतिक बल है, नेचुरल फोर्स है, और उसको नाम दिया न्यूक्लियर फोर्स। और वो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इन पार्टिकल की वजह से होता है, अगर ये पार्टिकल नहीं होते नेचर में तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता। सो मेसोंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर फोर्स इन नेचर। न्यूक्ली के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते नहीं है न्यूक्ली के अंदर, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, वो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है, कभी रिपल्सन का नहीं होता।
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, न्यूक्लियर फोर्स भी हमेशा अट्रैक्शन का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है विद्युत बल जो है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स जो है चुंबकीय बल वो भी हमेशा अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, लेकिन ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्शन का ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, और ये इन पार्टिकल्स की वजह से है, इन पार्टिकल्स की वजह से न्यूक्लियर फोर्स कैसे होता है ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जब आपको न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन, इंटरकन्वर्जन ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। आगे जाके युकावा ने बताया कि ये जो प्रोटोन होता है किसी न्यूक्ली का वो हमेशा प्रोटोन बना नहीं रहता, वो थोड़ी देर बाद न्यूट्रॉन में कन्वर्ट जाता है, और जो पहले से प्रेजेंट न्यूट्रॉन है वो प्रोटोन में कन्वर्ट जाएगा, प्रोटोन न्यूट्रॉन इंटरकन्वर्जन होता रहता है, और वो इंटरकन्वर्जन होता है इन मेसोन्स के कारण, मेसोन्स की वजह से प्रोटोन्स मेसोन्स को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन बदल जाते हैं, न्यूट्रॉन मेसोन्स को डोनेट करके जो है ना प्रोटोन न्यूट्रॉन आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन इस तरह से इंटरकन्वर्ट होते हैं कि एक न्यूक्ली में अगर 10 प्रोटोन और 10 न्यूट्रॉन है तो हमेशा 10 प्रोटोन 10 न्यूट्रॉन रहेंगे, अगर 2 प्रोटोन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे तो उसी समय साइमल्टेनियसली 2 न्यूट्रॉन भी प्रोटोन में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये सब बातें बताई न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्ली में इतने सारे प्रोटोन न्यूट्रॉन एक साथ कैसे बंधे रहते हैं, इस बात को समझाने के लिए युकावा ने न्यूक्लियर फोर्स को माना, युकावा ने ही मेसोन्स के बारे में थ्योरेटिकली पहले अज्यूम किया, फिर प्रैक्टिकली उनको फील कर लिया बोम्बार्डमेंट के द्वारा। तो इस तरह से ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि मेसोन्स इंटरकन्वर्जन और प्रोटोन न्यूट्रॉन के दौरान बनते रहते हैं एब्जॉर्ब होते रहते हैं न्यूक्ली के अंदर, ये न्यूक्लियर फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नाभिकीय बल हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो इतनी बातें आपको इन मेसोन्स की याद रखनी है, ये होते हैं अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के बाद अब अपन देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक नंबर जेड, न्यूट्रॉन नंबर एन एंड मास नंबर कैपिटल एम और कैपिटल ए। एटॉमिक नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन संख्या, मास नंबर को बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश वर्ड्स पर ध्यान देवे, हिंदी मीडियम वाले जो है वो दोनों वर्ड्स पर ध्यान देते रहे, इंग्लिश वाला भी याद रखे और सिंबल याद रखे। एटॉमिक नंबर जेड, न्यूट्रॉन नंबर एन, मास नंबर एम और ए। क्या होता है किसी मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले जेड की डेफिनेशन बता रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्ली ऑफ एनी एटम या इन एनी एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्ली लिखने की जरूरत नहीं, वो तो प्रोटॉन्स तो न्यूक्ली में होंगे और तो ये होंगे नहीं, लिखना चाहो तो लिख दो इन द न्यूक्ली ऑफ एनी एटम, किसी एलिमेंट के है ना, किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा, जेड माने एटॉमिक नंबर। अच्छा, न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चाहे वो एटम हो चाहे वो आयन हो, प्रोटॉन्स कभी डोनेट या एक्सेप्ट नहीं किए जाते, प्रोटॉन्स जितने होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन त्यागे नहीं जा सकते, एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, हमेशा उतने ही रहेंगे चाहे न्यूट्रल एटम हो चाहे आयन हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम और आयन ऑफ एनी एलिमेंट है ना, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम ऑफ एनी एलिमेंट। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में हमेशा कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, कह दिया अच्छी तरह से। अब अगर न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए न्यूट्रल एटम में तो वो नेगेटिव आयन में, ऋण आयन में, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से ज्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन डोनेट नहीं होते, आयंस बनते समय प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब, अगर जेड को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डिफाइन कर रहे हो तो इन न्यूट्रल एटम ये लिखना पड़ेगा। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से अगर आप डिफाइन कर रहे हो, परिभाषित कर रहे हो, तो फिर आपको न्यूट्रल एटम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो हमेशा उतने ही रहेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब एटम आयन में कन्वर्ट होते हैं पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करते। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसीलिए जेड को एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन्स से डिफाइन करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो उनका नंबर फिक्स रहता है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान चेंज नहीं होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या बोलेगा, हाउ यू डिफाइन एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्ली ऑफ एनी एटम और एनी आयन ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, और ये एक एलिमेंट का हमेशा फिक्स होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन का 6 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, सोडियम का 11 होगा। एटॉमिक नंबर मालूम चल गया तो आपको उसके न्यूक्ली में प्रोटॉन कितने पता चल गया, और न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्ली के चारों तरफ वो भी मालूम चल जाएगा। क्लियर, ये होता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर क्या है, न्यूट्रॉन नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्ली ऑफ एनी एटम, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, यह भी हमेशा जितनी है उतनी रहेगी। अलग अलग आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक आइसोटॉप में जितने न्यूट्रॉन्स हैं उतने न्यूट्रॉन्स ही हमेशा रहेंगे। केमिकल रिएक्शंस के दौरान न्यूट्रॉन भी त्यागे नहीं जाते, एक्सेप्ट नहीं किए जाते, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम इज कॉल्ड इट्स न्यूट्रॉन नंबर। तीसरा आता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या एम और ए। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं, जो न्यूक्ली में रहने वाले फंडर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्ली ऑफ एनी एटम, है ना, किसी नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियोनों की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, इन न्यूक्ली ऑफ एनी एटम, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कहलाता है, जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कहलाता है, एन। तो एम बराबर एम और ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये याद रख लेना अच्छी तरह से। तो कितने प्रोटॉन है वो जेड, कितने न्यूट्रॉन है वो एन, और दोनों का सम कितना है, दोनों का योग कितना है, वो कहलाएगा एम, न्यू मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी तत्व के किसी परमाणु का प्रदर्शन कैसे करते हैं। ये मान लीजिए उसका सिंबल है एक्स, एक्स हो गया उसका सिंबल, यहां लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं उसका, नीचे वाली साइड लिख देते हैं उसका जेड, और यहाँ राइट साइड में ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिख देते हैं उसका एन। प्रोटॉन्स का नंबर यहां लिख देते हैं, मास नंबर यहां लिख देते हैं, तो मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर घटाओगे तो अपने आप क्या जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर। चलिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी जगह यूं भी दिखला देते हैं, एक ही बात है, कुछ लोग क्या करते हैं इसकी जगह यूं भी दिखला देते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, जेड को और एम को दोनों को राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, एक को सबस्क्रिप्ट एक को सुपरस्क्रिप्ट, एक को नीचे एक को ऊपर। कई लोग क्या करते हैं, कई राइटर्स क्या करते हैं कि दोनों को लेफ्ट में दिखला देते हैं, जेड को सबस्क्रिप्ट, एम को मास नंबर को सुपरस्क्रिप्ट। ज्यादा फेमस तरीका ये है, ज्यादा फेमस तरीका, कई इवन यूं भी बता देते हैं कि एक्स जेड एम, ये सबसे कम है,
ज्यादातर लोग या तो यूं बताते हैं या यूं बताते हैं या यूं बताते हैं, मोस्ट फेमस तरीका ये है। लेकिन एक चीज देख रहे हो सब में कॉमन है कि जेड को हमेशा नीचे ही दिखाया जाएगा, चाहे राइट हैंड साइड में चाहे लेफ्ट हैंड साइड में, और मास नंबर को हमेशा ऊपर ही दिखाया जाएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में ऑफ द सिंबल। ये सिंबल होगा, जैसे अगर मैं यूं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यूं लिख रहा हूं Cl 1735, इसका मतलब ये जो क्लोरीन का एटम मैंने लिखा है इसके अंदर 17 प्रोटोन है, दिस एटम हैज 17 प्रोटॉन्स। अच्छा कितने न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 35 - 17 18 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर कितना हो जाएगा, 17 + 18 35 एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन से होते ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ में आ गया बात अच्छी तरह से। अगर मैं यूं लिखता हूं कार्बन 614, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने एटम लिखा है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 6, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर 6, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 6 है। अच्छा न्यूट्रॉन नंबर कितना है, m - z, m - z 14 - 6 = 8, 8 न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर, 8 न्यूट्रॉन्स है, 14 - 6 8 न्यूट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो न्यूक्ली है इसमें 6 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और फिर बाद में 4, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों को मिला के लिखूं, इसका जो क्लाउड है, इसका जो क्लाउड है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, अलग अलग कौन से ऑर्बिट में घूमेंगे वो बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन में, अभी फिलहाल खाली ऐसे दिखा सकते हो। ये इसका न्यूक्ली हो गया और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आप लोग ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ घूमते हैं, एक साथ नहीं घूमते, वो कैसे घूमते हैं, किस तरह से वो बाहर रहते हैं न्यूक्ली के चारों तरफ, वो आगे की थ्योरीज में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यूं बोल दे Na 11 23 + आयन। भाई सोडियम का एटम है, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है और चार्ज +1 है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 23 - 11 12, तो इसलिए मास नंबर कितना आ गया 23। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले तो जब न्यूट्रल एटम था तब तो कितने थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर 11, लेकिन +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, प्लस चार्ज कब आएगा जब न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन भाग जाए, तो 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। तभी तो 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो चार्ज आ गया रिजल्टेंटली 11 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों 11 11 रहते तो 0, इस एक कम हो गया, ये कम हो गया, बाबुल क्यों सर प्लस चार्ज, इसलिए ऐसे नहीं आ सकता क्या कि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाए, 12 प्रोटॉन जाए, नहीं, प्रोटॉन्स का एक्सचेंज नहीं करते एटम्स आयंस में कन्वर्ट होते समय, इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स के एंटर होने से नेगेटिव चार्ज आता है उस एटम के अंदर। तो इस तरह से आप जो है वो निकाल सकते हो। एक और देख लीजिए, कैल्शियम या एक नेगेटिव आयन का देख लेते हैं अपन, S16 32 2 - ऐसे लिख दो, चाहे 2 - ऐसे लिख दो, इसका मतलब 16 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब 32 - 16 यानी 16 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, भाई 16 तो थे ही पहले से ही, और -2 का मतलब, 2 - का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एक्स्ट्रा आ गए -2 की वजह से। तो इस तरह से मास नंबर, प्रोटॉन्स नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। तो ये होता है मास नंबर अपना कंप्लीट। यहां तक आते आते हमने सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लिए, बहुत सारे तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे, 3 स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल देखे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबका चार्ज याद रखना, सबका मास याद रखना, सारी यूनिट्स में याद रखना, और ये एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर क्या होता है ये भी देखा। यहां तक आते आते आपने जो थ्योरी के अंदर DPP1 जो आपके थ्योरी के साथ नोट्स में दे रखा है,
नोट्स को पीडीएफ में आज ध्यान से स्टडी करेंगे और आपके डीपीपी वन के सारा थ्योरी कंप्लीट हो गई है, कुछ क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद डीपीपी वन सॉल्व कर लोगे, लगभग मेरे हिसाब से 23 या 24 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लोगे। उसके जो टफ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करवाऊंगा, उसके प्रॉब्लम्स उसके डाउट्स आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।